غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कोनियली खातून, जब तक तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगी मैं रुकने वाली नहीं। कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा और सुल्तान के सामने पेश होकर तमाम सूरत हाल से आगाह करूंगा। और उसे बताइएगा कि हेलेना जमींदार वैसिलियस के साथ निकिया जा रही है शादी करने के लिए। अर्तुरुल भाई मुझे बचा ले वरना मैं जान दे दूंगी। जब तुम इलिकिन पहुंचो तो उस गद्दार उराल की एक एक हरकत के बारे में अमीर सादतीन को बताना। ठीक है भाई। आपकी सरदारी कायम रहे उराल भाई। अल्लाह आपकी ताकत को दुगना कर दे, हमेशा सलामत रहे आप। हेलेना खातून का कहना है कि अगर आपने उन्हें नहीं बचाया तो वो अपनी जान दे देंगी भाई। अल्लाह मददगार हो आपका। जब तक मैं वापस लौटूंगा आप फतेहयाब हो चुके होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अर्तुक भाई। मैं अपने भाई को लेकर लौटूंगा वालिदा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। बेटा मेरी दुआएं साथ हैं तुम्हारे, जाओ और अपने भाई को वापस ले आओ। तुम बानो जीजा खातून, मेरे भाई दुआन की मौत रायगा नहीं जाएगी, उसका इंतकाम लूंगा मैं, उन मलूनों से उनके इस अमल का हिसाब लूंगा मैं। मेरा दुआन शहीद हुआ है अर्तुरुल भाई, एक शहीद की दियत हजारों किलों से ज्यादा है। दुआन की तरह मुझे भी आप पर दिलो जान से एतबार है। अल्लाह हामी और नासिर हो। रब हमें मजीद दुख ना दिखाए साहब, अल्लाह फतह नसीब करे आपको। आमीन खातून। अल्लाह की अमान में रहो बेटा। शुक्रिया वालिदा। वैसिलियस चला गया क्या? जहन्नुम में जाए वो वैसिलियस। सरदारान ने क्या कहा? आज का दिन हमारा दिन है चौलपान। जानती हूँ सरताज, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। सरदारान आलियार के लिए बिछाए गए मेरे जाल में मेरी मदद करेंगे। आलियार जब मर जाएगा तो मैं अपने कबीले में एक फातह सरदार की हैसियत से दाखिल होऊंगा और फिर उस वक्त मेरे बाबा का और मेरा दाम लगाने वाले सरदारों को एक एक करके मार डालूंगा। अपना कबीला हासिल करने के बाद फिर वैसिलियस की बारी आएगी। उसे मेरे पास लाइएगा आप, ताकि मैं अपने बाबा के कातिल को अपने हाथ से सजा दे सकूं सरताज, और उसकी आंखों को अपने हाथों से नोच सकूं। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है चौलपान,
सब कुछ तुम्हारे लिए किया है मैंने। वैसिलियस को जरूर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। जिहाद के इस अजीम सफर में हम अपने आबाओ अजदाद की शानदार तारीख से कुवत लेंगे और मुट्ठी भर इंसानों की इस तादाद के साथ हम क्या कर सकते हैं पूरे जहान पर आश्कार करेंगे। जो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे और जिन्होंने हमें रोकने की कोशिश की वो शिकस्त खाएंगे। हम सूरज को अपना परचम और आसमान को अपना खैमा बनाएंगे। अल्लाह की खातिर जिहाद के इस रास्ते में हमारी तलवारें हमारी दोस्त बनेंगी और अजीम फौजें बनाएंगे हम। इंसाफ के मुहाफिज होंगे हम। मेरी तलवार दुश्मन के सीने से खूनालूद बाहर निकलेगी। मैं दिन और रात बगैर किसी थकावट के मुसलसल लड़ूंगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें और कबीला फतहयाब हो सके और इस सरजमीन पर अल्लाह का निजाम कायम हो सके। अल्लाह हर मुश्किल में हमारा मददगार हो। कहाँ हो तुम बमसी? ये रुक क्यों गए? क्या हुआ है? कमांडर एंगलूस का दस्ता अभी तक नजर नहीं आया जनाब। कहां रह गए तुम एंगलूस? सफर जारी रखेंगे। जान देने वालों, माल देने वालों और जहाद फैलाने वालों को अपनी मदद से बहरामंद फरमा, मदद फरमा, उन्हें फतह नसीब फरमा, जालिमों और कुफर के शर से उनकी हिफाजत फरमा। दुआ को है आजिज़ी के साथ तेरी बारगाह में अपनी रहमत से मायूस न करना। मेरे अल्लाह, तूने ही जंगे बद्र में छोटे से लश्कर को गालिब किया। तूने कुन कहा और सब कुछ हो गया। तेरे इस्मे अजीम की हुर्मत बाकी रखने वालों को फतहयाब फरमा। तेरी राह में खुद को वक्फ करने वालों को साहिब बसीरत फरमा। उनके नेक मकसद को मुबारक फरमा। शहादत का जज्बा रखने वाले सिपाहियों को अपनी अमान में रखना। बेशक तू ही अपने मुकर्रब बंदों का मुहाफिज है। कुरान पाक में तेरा हुक्म है, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। तुझे तेरे महबूब खातिमुन नबीयीन का वास्ता, हमारी दुआएं कबूल फरमा, कबूल फरमा।
सिपाहियों से कहो कि अपने घोड़ों को यहां सस्ता लेने दें। पहरेदारों की तादाद बढ़ा दो। हर सिपाही होशियार रहे। अर्तुरुल नाम के वैशी आदमी के इलाके में दाखिल हो जाएंगे हम कुछ देर में। तमाम सिपाही चौकस रहे हर वक्त। जैसा आपका हुक्म कमांडर। इनके सरदार को मेरे लिए छोड़ देना। हम आपके बाद हमला करेंगे भाई। ठीक है आलियार साहब, हम इन्हें ऊपर से चारों तरफ से घेर लेंगे। हमारे तीरंदाज इनमें से बेशतर को मार डालेंगे। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा और हम इन्हें तलवार निकालने का वक्त दिए बगैर इन पर हमला कर देंगे। शहीद हुए बगैर इस काम को अंजाम दो तुर्कुत। बेफिक्र हो जाए भाई, इनके होश में आने से पहले ही हम इन लोगों के सर अपनी तलवारों से कलम कर देंगे। तो अब जाओ।
मारो जो हमला हो गया है। तो तुम हो अर्तुरुल। ये वाकफियत बहुत मुख्तसर रहेगी कमांडर। सुना है तुम्हारा शहंशाह वेसिलियस के झूठे दावों पर यकीन करना चाहता है। हमारे सुल्तान के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है उसने। इस गद्दारी का हिसाब देने का वक्त आ गया है। मुआहिदा खत्म हो चुका है अर्तुरुल, अब तुम सब मारे जाओगे। हक है अल्लाह। चलो मेरे बहादुरों, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। हक है अल्लाह। दुर्गुत, चलो मेरे भाई। आ जाओ सिपाहियों। हे
शहीद तो नहीं हुआ कोई तुर्कुत? शुक्र है अल्लाह का, जख्मी भी नहीं हुआ कोई। बहुत आला, दुश्मन को हिलने तक का मौका नहीं दिया। शुक्र है रब का, शुक्र है कि कोई शहीद नहीं हुआ। हमें फौरन चलना होगा। भाई भाई, जिहाद मुबारक हो भाई। अल्लाह अल्लाह हम सबको मुबारक करे ये जिहाद। आमीन। शुक्रिया भाई। हेलेना को अपने कबीले लेकर जाओ बंसी। ठीक है भाई, जो आपका हुक्म। इस बार उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा मैं। सिपाहियों चलो चलो मेरे साथ, अल्लाह हमारा रास्ता आसान करेगा। आमीन। आ जाओ। जिहाद सबको मुबारक हो सिपाहियों, चलते हैं। आखिर हमें सुकून से खाना नसीब हुआ आज। सरताज, आपने एक एक करके सारे वादे पूरे कर दिए। उनके अभी अच्छे दिन चल रहे हैं चौरपान, लेकिन दायमी राहत हमारे हिस्से में ही आएगी। कभी ये तख्त मेरे बाबा का था, इस किले की मालिक थी मैं। आपने मुझे इस किले में दोबारा इज्जत बख्शी, इसके शुक्रगुजार हूं मैं। आखिरकार मुझे इस तख्त पर बैठना है। मेरी ख्वाहिश है औराल, वैसिलियस और अर्तुरुल को मुर्दा देखने की। उसका भाई जिंदान में अजियत से दो चार है, उसका बेहतरीन सिपाही जहन्नम वासिल हो चुका, और अब वो कबीले के किसी कोने में बैठा सोग मना रहा होगा। और वैसिलियस? वैसिलियस, वैसिलियस एक टायर की तरह है जो रास्ता भूल गया है और उड़ता चला जा रहा है। नीकिया से उसके वापस लौटने तक मैं इस किले को अपने कब्जे में ले चुका हूंगा। मेरी आंखें आपको इस तख्त पर बैठा देखने के लिए बेताब हैं। क्या वाकई? मसला इस तख्त पर बैठने का नहीं, ऐसे कई तख्त बनवा सकता हूं मैं, लेकिन असल मसला इस तख्त के इख्तियार को हासिल करने का है। उराल की बहादुरी सबसे अहम है, आप जहां बैठते हैं वो जगह शर्फ पा जाती है। इंतकाम बिल्कुल गहरी सांस की तरह खूबसूरत है हेलेना। बिलाखिर हम सांस ले रहे हैं। हक है तुम्हारा वैसिलियस, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें गहरी सांस लेने का हक है। हम अच्छे दिन साथ मिलकर गुजारेंगे हेलेना।
एंगेलोस। मेरे अजीज दोस्त, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम पर लानत हो वैसीलियस, किले पहुंचने के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है जमींदार वैसीलियस। क्या हुआ यहाँ? जमींदार साहब अर्थरुल किले गए। वैसीलियस क्या हो रहा है? किसने किया ये सब? अर्थरुल सबको मार डाला उसने, और अब किले की जानिब गया है वो अपने भाई को बचाने के लिए। तुम परेशान ना हो हेलेना, तुम्हें यहीं रुकना होगा, मैं तुम्हें किले नहीं ले जा सकता। कमांडर, हेलेना की हिफाजत के लिए कुछ सिपाही मामूर कर दो। जैसा आपका हुक्म जनाब। उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे इन काफिरों की रहम करम पर ना छोड़ना, मदद फरमा या अल्लाह। मुझे इज्जत की मौत नसीब फरमा, मेरी गलतियों का बोझ बहुत ज्यादा है। मुझे इस जमीर की मलामत में ना छोड़ना मेरे मालिक, रहम कर। इस्तकबाल की पूरी तैयारी की है इन लोगों ने। इन्हें जहन्नुम वासिल करके ही दम लेना है तुर्कुत। कमांडर एंगेलोस कहां है? कौन हो तुम?
सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। होशियार हो जाओ, हमला हो गया है। तुमरुल, हमें जिंदान की तरफ लेकर चलो। तुर्कुत, मेरे साथ आओ। तुम अब्दुलरहमान साथ चलो मेरे। अलियार, मैदान तुम्हारे हवाले। यार भाई, अतराफ में जाकर देखो, अच्छी तरह इत्मीनान कर लो। शाबाश। यही सही वक्त है वंशी भाई, हमला कर देते हैं। जान, मुझे तुमसे ज्यादा चलती है। हर लम्हा अंगारों पे चल रहा हूं मैं भाई। इंतजार करना होगा, पहले इन्हें फैलने दो सरा, उसके बाद हम इनका शिकार करना शुरू करेंगे। चुन चुन के मारेंगे इनको। फिक्र मत करो हेलेना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तीर अंदाज फसीलों पर जाएं, किसी भी दुश्मन को सहन में घुसने नहीं देना। चलो मेरे बहादुरों, हम इस सहन को इनका जहन्नुम बना दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किस तरफ जाना है तुमरुल? रास्ता जहन नशीन नहीं किया था तुमने? जिंदान का रास्ता मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है भाई, उस तरफ जाना है। ठीक है, आ जाओ बदबख्तों, आ जाओ। वक्त पूरा हो चुका है तुम लोगों का। ये आवाजें कैसी हैं सरताज? लगता है जंग छिड़ गई है।
मशकें चल रही हैं शायद। कैसी मशकें? ये काफिर अपनी तलवारें तब तक नहीं निकालते जब तक जान पे ना बन जाए। अगर ये सिपाही अपने ही किले में खौफजदा हैं, तो ये अच्छी अलामत नहीं हमारे लिए। अर्तुरुल ने किले पर हमला कर दिया है, आप अंदर चले जाएं। ये क्या कह रहे हो तुम? दिन की रोशनी में वो यहाँ कैसे हमला कर सकता है? नेकिया से आने वाले खुफिया दस्ते के सिपाहियों को मार डाला है उन्होंने। वो हमारे सिपाहियों का भेष बदल कर दाखिल हुए हैं किले में। जाने दे मुझे। आखिर अर्तुरुल को इस खुफिया दस्ते की आमद के बारे में कैसे पता चला? दरवाजे को अंदर से बंद ही रखना, हरगिज बाहर मत निकलना तुम, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गई? मैं जानता हूं अर्तुरुल क्यों आया है यहां। उराल, तुम कहीं नहीं जाओगे, वरना वो तुम्हें भी मार देगा। दुनदार उन्हें नहीं दे सकता, मैं उन दोनों को मार दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से खातून, हट जाओ। चहलकदमी के लिए जा रही हूँ मैं। हम भी आपके साथ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं, तन्हाई चाहती हूँ मैं। लेकिन मोहतरमा, कहा ना कोई जरूरत नहीं है, सुना नहीं तुमने? उनका अकेले जाना ठीक नहीं। मैं उनके पीछे जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, बाकी सिपाही यहीं रुकेंगे। आओ मेरे साथ। हेलेना ने रास्ता खोल दिया हमारे लिए, उसके पीछे आने वालों को मैं खुद देख लूंगा। और तुम लोग यहाँ पर इन मलूनों को सफाई हस्ती से मिटा दो। शाबाश, चलो भाइयों, चलो, शाबाश। हमला हो गया है, भागो भागो, होशियार हो जाओ, भागो भागो। तो तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए उन्होंने, मेरी जान लोगे तुम? हाँ, जाने देना, मार दो इन्हें। Oh!
दुंदार को ले जाओ तुम लोग, वो बहुत ज्यादा है भाई। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। मैं आपको इन मलूनों के साथ कैसे छोड़ सकता था हा? या आपको लगा मैं वैसिलियस को आपसे शादी करने दूंगा? लाशों से भर गया है, अनाड़ी और पुस्तिल सिपाहियों की लाशों से। हेलेना वहां से फरार हो गई थी। वो बखुशी तुर्कों के साथ चली गई। अगर यही ख्वाहिश है तुम्हारी तो आज से ये कबीला तुम्हारा है, ये तुम्हारा घर है।